अगर आपको लगे कि आपको नंबर कम मिले हैं तो आपको एक बार फिर से कॉपी चेक करानी होगी और इससे आपको फायदा होगा। साथ साथ ही उन शिक्षकों को दंडित होना पड़ सकता है जिन्होंने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि पुनर्मूल्यांकन करवाने पर एक छात्र ने गड़बड़ी पाए जाने पर शिक्षकों पर लगाया गया है आरोप और शिक्षकों को इसके लिए दंड भुगतान करना पड़ा है। कोर्ट ने 3 शिक्षकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। एक छात्र ने पुनर्मूल्यांकन के लिए कॉपी भेजी, सार्थक नाम है जिसका। उसने गणित में 36, भौतिकी फर्स्ट में और सेकंड में उसको 7 अंक मिले थे, तो उसने पुनर्मूल्यांकन के लिए कॉपी डाली तो उसको गणित में जहाँ 10 नंबर ज्यादा मिले, वहीं भौतिकी प्रश्न पत्र में भी उलट फेर हुआ, 31 31 अंक मिले हैं। तो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और मूल्यांकन में शिथिलता बरते जाने पर कोर्ट ने फटकार लगाई है इन शिक्षकों पर। 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और साथ 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है परीक्षा के किसी भी गतिविधि से जुड़ने पर। इतना ही नहीं, शिक्षकों को विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया है। जांच के बाद पहचान में आए तीनों शिक्षक उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2018 के गलत पुनर्मूल्यांकन करने वाले के 3 शिक्षकों के रूप में इनकी पहचान हुई है। तो बताते हैं कि ये शिक्षक कौन है, क्योंकि ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। इनमें से एक है कानपुर के माया देवी इंटर कॉलेज के गणित प्रवक्ता अमित कुमार गुप्ता, प्रयागराज जिले की मंदाकिनी गर्ल्स इंटर कॉलेज डांडी कोड़ियार की भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता विनेंद्र कुमार और जालौन जिले के ARKD इंटर कॉलेज के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता दीपक सिंह। इन तीनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, 10 वर्षों के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया है और मूल्यांकन सही नहीं किया था, इसके चलते इन पर ये लगाया गया है आरोप और इसके ऊपर ही कार्रवाई हुई है।